जय, मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की, गृह मंत्री दशरथ सिंह नए मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहां आए थे। All set to leave, अंजलि तुम्हारी पैक। उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहां, यहां चोट देखिए, मुझे भी लगी। ही इज अ टेररिस्ट, आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो, अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। ये थे हमारे, झूठ बोल रही है, जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। कदम जी, सर जय का पता लग गया जी। आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। दरवाजा मत खोलना। Ah!
जय, इनकी हालत बहुत खराब हो गई, इज लॉस्ट टू मच ब्लड, इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता, वी हैव टू टेक टू हॉस्पिटल नाउ। तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ। जिस पुलिस को तूने हमारे बारे में बताया ना, उसी पुलिस वाले ने तेरा नाम, नंबर, एड्रेस सब हमें दिया है। हमने तो तेरा घर देख लिया है, अब तू चल के हमारा घर भी देख ले। ये सब क्या हो रहा है? आंटी, ये लोग मुझे उठा ले जा रहे हैं, और ज्यादा नाटक की ना तो तुझे भी उठा लेंगे, समझी? वाओ, दिस इज ग्रेट। मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। तुम लोग कुली हो ना बेटा, है? कुली हो ना, एक बार उठाओ ना मुझे। अरे मैं, हाँ, तू मेरी बात सुन। अरे छोड़ ना बेटा इसे, है? तू ये झोला पकड़, मैं आती हूँ। तू इधर आ, एक बात बता, तू कभी भी इतनी अच्छी महंगी इम्पोर्टर गाड़ियों में बैठी है? नहीं ना, हट जा गेंडे, कहाँ खड़ा है, कैसे निकलेंगे? हाँ उधर चल, चल उधर, आराम से इन लोगों के साथ जा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ गेट तक ही जाना है। ओ आंटी, लेकिन गेट पे हम लोगों को रोकेगा कौन? ओ कालू, रोकेगा नहीं, ठोकेगा। और टकले ध्यान से। हेलो जय, ए इडियट, सामने से हटना। अबे तेरी तो, अबे मम्मी, बताता हूँ तेरे को। छोड़ना मत इन्हें, भागो, चलो भागो। अरे इधर से, हेलो, अबे जल्दी से और लोगों को भेजो हमें बचाने के लिए। इधर भाग रहे हो? अरे चल जल्दी, चल जल्दी, बैठ,
फरारी से फटीचर में आ गए। गेट पे कौन रोकेगा? साले बहुत बोल रहा था। अबे और लोगों को फोन करना। अब क्या अलकायदा को फोन लगाऊं? ये तो कर रहा है। जानते हैं क्या? अरे माँ की आंख। सालों तुम लोग मरवा के ही रहोगे। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे गलती हो गई माजी। माँ कसम माजी, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ अच्छी चीजें सिखाई होती, तुम लोगों को दो चार थप्पड़ लगाए होते बचपन में, तो आज ये नौबत ना आती। कौन है तेरा बाप? बहुत पावरफुल आदमी है माजी। अरे बेटा जी, तो उनसे क्या सीखा? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सुना? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दक्षिणा लेके आती हूँ। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं करने नहीं, करवाने आया हूँ तेरी शादी। बच्चू, माजी को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। तू मेरी माँ को उल्लू बना रहा है? अरे माजी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ, वो तो लेडीज हैं। डोंट गेट फिजिकल, टच मी। टच मी? माजी देखो मेरे को मार रहे। जे जे, तुझे मेरी कसम है तू पंडित को मारेगा नहीं। अब बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी कुंडली में आज पिटना लिखा है? अच्छा, कौन पिटेगा मेरे को? तू ही सबको पीटता है ना, तेरे को तो कसम दे दी गई है। यार एक बात बता, इतनी अच्छी फोटो में सब सुंदर लग रहे हैं, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? यार उतार इसको, आई एम इंटरेस्टेड। जो इंटरेस्टेड या तो फिर खुद ही उतार लो ना। इतनी बॉडी बनाई हुई है, इतनी ताकत नहीं कि ये कागज उतार दो। ये भी मेरे को उतारना पड़ेगा। इंटरेस्ट का सूद पड़ा। इंटरेस्टेड? क्यों मेरा मेरे को? पहले इस मनुष्य के चेहरे को फिर से ढक। ये लो ढक दिया। माँ, आपको मनहूस बना दिया इसने। अरे ओए, क्यों मारे मेरे को? अरे क्यों मारे मेरे को? ये लो उतार दिया। देखो, विदाउट गेटिंग फिजिकल मेरे को बताओ आखिर ये भली लड़की है कौन? ये भली लड़की है कौन? कहाँ है कहाँ? चल ले। अरे हटो पीछे तो। पड़ जाएगी। मतलब मैं जब इतने साल से तेरे लिए लड़के देख रही थी और तू उस दौरान इस लड़के के साथ घूम रही थी, जब तू कह के जाती थी कि तू फिल्में देखने जा रही है या तू ट्यूशन देने जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, तब तू इसके साथ घूमती रहती थी। मतलब वो सब कुछ तूने झूठ बोला? जी हाँ, क्योंकि आपके हजारों बेकार सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे कि लड़का कौन है, किस खानदान का है, कमाता कितना है, जात पात क्या है, गोत्र कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है। कैसे पता करें? मेरे क्या कोई सवाल किया तुमसे? जा, अरे कुछ तो बोला। गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा भी ठीक चलने लगे, रोमांस अब भरपूर हो और इन शॉर्ट बेसिकली चुक चुक जो सदा सुहागन रहो और हमारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझे? थैंक यू। नहीं, थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी थैंक यू। रुक जा, बाहर आ जा तू। क्या है नॉनसेंस? कुछ नहीं है, चल जाए। चलो माँ, कांग्रेस और पिटने के आदि हो जाओ। ये अपने आप को समझती क्या है ना? जय 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 जय। और उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे जय की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवाऊंगी। थोड़ा पानी मिलेगा? लो। थैंक यू छोटे जुए। हट। हाँ? ए, अरे स्कूल की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज। क्या सोमा भाई? बढ़िया है जय बाबू। क्या सोमा भाई? चुरा यार सोमा भाई, रिस्पेक्ट, इंडियन कल्चर यार। क्या बच्चा है ये? रूल्स के हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जय बाबू, ये बड़ा होके आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रुको एक मिनट। जय। यस मैम।
ये सुमन है। हाय सुमन। इसकी मदद के लिए कोई आने वाला था, वो नहीं आ रहा, तुम इसकी मदद कर दो। अरे मामू हेल्प कर दो ना यार, मेरी हिस्ट्री टीचर है यार। ओके मैम, थैंक यू। वहां कहाँ जा रहे हो? मॉम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। अच्छा, टिफिन फिनिश किया? हाँ। अच्छा, वो दीपक अपनी कॉलोनी में रहता है ना? हाँ। तो क्लास के बाहर क्या लेक्चर दे रहे थे तुम उसे? मॉम वो मुझे स्कूल ही नहीं आता है, हर वक्त बहाने बनाता रहता है। हाँ? हाँ। And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. Miss? Yes, ma'am? ये जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। देखिएगा, एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। ये इसके बाद थोड़ा स्लो इतना नहीं था। मिस, यस, एक पेपर और पेन मिलेगा? श्योर, ये लीजिए। ये क्या है? स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखना, बिचारी को फेल मत करा देना। आपकी बहन ने दिया है। वेरी फनी। 500 सर। 500 रुपया? यार ये कैंटीन वाले तो लूटते क्यों है यार? अब समझा, इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते। अच्छा, तू इतना भड़का हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं मामू, वो अपनी बाजू वाली नई पड़ोसन है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा यार। क्यों? कब से छोटा चूहा चिढ़ाती रहती है। छोटा चूहा? अरे मामू, एक दिन मैं नहा रहा था तो बिना नोक के अंदर घुस गई, बस तब से छोटा चूहा। सुन, जब तू नहा रहा था तो ठंडे पानी से नहा रहा था या गर्म पानी से नहा रहा था? हाँ सिली मामू, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? अबे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए जब नहाओ तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाओ। जेब, इसे प्लीज बाथरूम लेकर जाना। अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ। भतीजी किसकी है? मेरी है यार, तू खड़ा था इसीलिए। ना ना, तुम ये ट्रेलर कभी मिस नहीं करना। नेशनल एंथम यार। क्यों? मैंने और आपने सेम कलर की अंडरवेयर पहनी है। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आ जा बेटा, लेट्स गो। आंटी, सेम पिंच। सेम पिंच? आंटी ने भी पिंक कलर की अंडरवेयर पहनी है। यस यस। छोटे मामू, दिस इज द पड़ोसी, अब देखता हूँ कैसे चिढ़ाती है छोटा चूहा। कभी पिंकी, रिंकी, आज से तू पिंकी। पति गयी हूँ अब शहर में टिटारा पीटूंगा। चल चुप चुप। सुमन क्या हुआ? मैम, मेरे भाई एग्जाम में लिखने के लिए आने वाले थे। हाँ, पर अभी तक नहीं आए हैं। ओह, अच्छा रुको, नंबर बोलो उसका। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो तुम? बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हेलो 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 सुमन, हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। फोन को भी अभी डेड होना था। सुमन, सिर्फ 15 मिनट बाकी बेटा एग्जाम शुरू होने में।
क्या हो रहा है साहब, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। कबीर। अरे चाचा क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। हेलो मामू, कबीर बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं ट्रैफिक में अटका हूँ, बोलो। अरे नहीं मामू, वो जो अपनी सुमन है ना, उसका भाई आने वाला था पेपर लिखने के लिए, लेकिन वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए। अरे मामू आप आ जाओ ना, बेचारे का पेपर मिस हो जाएगा मामू। ठीक है, जैसे क्लियर होता था। ठीक है, बोलो की फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। ठीक है मामू। क्या हुआ? मामू भी ट्रैफिक में फंसे हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ ट्रैफिक कम कीजिए, पिछले एक घंटे से बंद है, मुझे अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है, वो बेचारी हैंडीकैप, प्लीज कुछ कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। देखता हूँ। प्लीज मैम, प्लीज हेल्प मी, आई एम रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। कुछ न्यूज मिली? साहिबान नाम हाइदा सेल। देख देख अपना वेजिटेरियन टाइगर कितनी मेहनत कर रहा है। पुलिस अंकल, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। नया नया भर्ती हुआ है ना साला। बैठ जाओ बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ। हेलो, अरे सो गए? सर हमने आधे घंटे से ट्रैफिक रोक के रखा है सर, वहाँ पे एम्बुलेंस फंसी हुई है सर, यहाँ स्कूल बस फंसी हुई है सर, एक भाई को अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है सर, थोड़ी देर खोल देते ना सर, सब बहुत परेशान है सर। परेशान नहीं, सब बहुत बेवकूफ हैं, और जिनके लिए परेशान है ना, उनको भी इन्हीं बेवकूफों ने चुना है। बिना सोचे समझे चुनोगे तो भोगो। मंत्र्याची पोरगी चालली आहे, किती वाईट दिसते साहेब। होम मिनिस्टर की बेटी जा रही है। मिस्टर की बेटी? चलो चलो निकलते। दुकान संभालने के लिए कोई नहीं है बेटा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज, एक दिन ये जरूर अपने जिंदगी में एक मिसाल बनेगी।
एफआईआर रजिस्टर करवानी है। किसके अगेंस्ट? कविता सिंह पाटिल। कविता सिंह, कविता सिंह पाटिल अपने होम मिनिस्टर साहब की बिटिया? जी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखिए, आप रिपोर्ट तो लिखिए। आप जानते नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, उसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हेलो सर, सिद्दीकी बोल रहा कर रहे हो? बच्चा किसका? मेरा बच्चा है। नाम क्या? नाम लखन है। खुशनसीब है कि बच्चा मिल गया। सुना है किसी भिखारी ने चुरा लिया था। मैं 2 मिनट के लिए जनरल स्टोर में गई थी, इतनी ही देर में किसी ने उठा लिया। अब मिल गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही सलामत मिल गया। जी जय, यू डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली, आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन 3 से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें, तो 3 × 3 = 9 हुआ, × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 × 3 = 729, 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 × 3 = 6563 × 3 = 59983 × 3 = 59149 × 3 = 170147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721 करेक्ट? करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा, हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तो सही कह रहे हैं, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बैठा है साला, क्या सोचता है? सच में मैं तो बोल रहा हूं। जय, प्राउड ऑफ यू। अरे ओ, हेलो, टमी कितना नो भाई? जी। अरे लेकिन वो तो मार्केट गई है। आप एक काम करो, यहाँ आके वेट करो। हाँ, आओ 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 जाओ। रिंकी मट्टी सरस छे। आइए आइए, आओ आओ ना। गीता और मैं फैमिली कम फ्रेंड्स ज्यादा है। अरे बैसे जाओ ना, बैसे जाओ, मैं आपके लिए ना फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। अरे बैसे जाओ ना, हमारी रिंकी है ना, वो गुजराती कम्युनिटी में तो बहुत फेमस है। वो भरत भाई शाह, उसका बेटा, हमारी रिंकी पे तो लाइन मारता है। और वो भरत भाई मुझ पर आई एम वेरी हैप्पी सिंगल्स मदर्स, यू नो। बैसो बैसो, चाय लाती हूँ झकास। अबे छोटे चूहे,
John Q reflects. मेरे घर पे अपनी ऑटोबायोग्राफी देख रहा है, बंद करना इसे. Insurance to protect. छोरी जुए, अब तुम हमारा इंग्लिश सुनो. कल कॉल सेंटर जाना है इंटरव्यू के लिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. यू टॉकिंग टू रिंकी शॉ? नो सर, नॉट रिक शॉ, रिंकी शॉ. हटाना इसे यार. हाउ कैन आई असिस्ट यू सर? प्रॉब्लम है ये तकिया, ये माँ भी ना कहाँ से थे जाड़े तकिए. मसाला चाय. जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीता बहन, फिजिकल टच. एक मिनट, क्या जय? कुछ नहीं, इनकी बेटी को गलतफहमी हो गई थी, वो मुझे कबीर समझ बैठी. तुम? हाय हाय, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ, आई नो यू, तुम वही हो ना थिएटर के अंदर छोटी लड़की पिंक. पिंक? ओके सॉरी. पिंक तो माँ बेटी का फेवरेट है, इनकी पिंकी पोंकी. चलो, कबीर वेट कर रहा होगा ना. ओ शुक्र सरच्चे. अरे गीता बहन, आपका भाई करता क्या है? आर्मी में था. था मतलब? माँ, डर के भाग गया होगा. चलो, कम ऑन. गांडी कहीं पर बोले छे, चुप. चलो दीदी, आई एम रियली सॉरी. मिलिट्री छोड़ने की वजह मेरे भाई का डर नहीं, उसकी बहादुरी थी. वहां पर मासूम बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है. जॉन, कंट्रोल योर एंगर सर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, यहाँ सिविलियंस इन्वॉल्वड है सर. ये हाई कमांड का ऑर्डर है, वी आर हेल्प दिस सर. क्या? गेट डाउन, डैम इट. कमांड का ऑर्डर ना मानने की वजह से जय को आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया. सॉरी दीदी. इट्स ओके. थैंक यू. थैंक यू नहीं,
तीन लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले। हम्म, और उनसे कहना कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। जी, यही जय की सोच है। आर्मी में रहकर या पॉलिटिशियन बनकर ही देश की सेवा की जाए ये जरूरी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। मैं क्या बताऊं दीदी, वो फोन पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि बता नहीं सकती। इतनी गंदी और घिनौनी बातें, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक आदमी एक औरत के बारे में इस तरह की भी बातें कर सकता है। दीदी इतना ही नहीं, उसको सिमरन के बारे में ऐसी बातें पता है जैसे कि उसके जिस्म पर मार कहां। प्लीज, हम पुलिस में कंप्लेन करें, उससे पहले सोचा आपसे आके मिल लें। कंप्लेन हो चुकी। ये उसी का फोन है। दादो। Lots of money, you know. Excuse me, important call है। हाँ जा बोल। ये लड़का है तू? अरे एक चाइनीज को अपना आइडिया चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाई साहब, मैं चाइना से नहीं, मैं नेपाल से। नेपाल उधर है उस पहाड़ी के पीछे, चल निकल यहाँ से। हाँ जय बोल। सुन, तेरी टेलीफोन एक्सचेंज में पहचान है ना, पता लगा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। दोबारा फोन आए ना तो बात करते रहना। ठीक है, फोन पर लंबी बात करना, बकवास सुनो काटो मत। हेलो भाई साहब, आप क्यों नहीं मान रहे? हेलो जय, पता चल गया। हेलो। हेलो, लगता है आपके भाई की आवाज है। लगता है आपका काम हो गया। ये वो डॉक्टर, ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर कपाड़िया है। क्या, एक डॉक्टर होते हुए? I'll make sure कि तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में जब भी मौका मिले तीन आदमियों की हेल्प जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक। जी जरूर। बाय दीदी। बाय बाय। कम बाय गाइस, अगले हफ्ते मिलते हैं। बी सेफ एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अरे साहब, पी के बैठा हुआ है, रोज की आदत है। अंकल, हाँ? कोई है आपके साथ? नहीं, अकेला हूँ मैं। अंकल रात बहुत हो गई है, घर जाइए आप। अरे थक गया मैं रिक्शा टैक्सी को देख देख के, कोई वसंत नगर रहने को राजी नहीं। मैं देखता हूँ। ऑटो आ जाइए अंकल, आ गई ऑटो। हाँ संभाल के। डायरेक्ट बैठ गया क्या, किधर जाना है? ओ जाना किधर है बताना। ओ चाचा। अंकल एड्रेस बोलो। कॉटेज नंबर 5 वसंत नगर वेस्ट। रिक्शा मीरा नगर के आने का उसको भाड़ा भी नहीं मिलता। चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो। चलो चलो। छोड़ना यार, बुजुर्ग आदमी और थोड़ी चढ़ी भी हुई है। अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या? अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा उधर जाने के टाइम। अरे छोड़ना यार, इतनी रात को कहाँ जाएगा ये। ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में जब भी मौका मिले तीन आदमियों की हेल्प कर देना। अंकल थैंक्स मत बोलिए, थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना तीन लोगों की मदद कर देना। लो आ गया तुम्हारा घर। एकदम करेक्ट जगह पर ले गया है। अच्छा मैं तेरा फिक्स क्लाइंट। क्या बात है। ये रख। शुक्रिया। जनमंच प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं वीवीआईपीज की सुरक्षा। ये सब काम भी सीख लो एन, शादी के बाद काम आएगा बेटा। वैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी सीख ले तो मामला फिट हो जाएगा। आय हाय, कितना ट्राई करेगा सुमित तू। माँ आप भी। अरे एक सेकंड सुनने दो यार। आम आदमी की कमाई इस तरह से खर्च कर देना कहाँ तक जायज है? और इसके अलावा जब वीवीआईपीस के काफिले सड़क पर निकलते हैं तो लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। अभी हम बात करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक प्रधान जी से। तो अशोक प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यू नो ऑनेस्टली,
कि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर कम से कम तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नेता भी जो है वो इंसान ही होते हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तकलीफ इस बात की है कि जब कोई नेता गलती करता है तो परेशानी भुगतनी पड़ती है आम लोगों को। और ये क्या लगता है इस नए सीएम का? डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। सबसे गंभीर बात, जो लोग सुरक्षा व्यवस्था का गलत फायदा उठाते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत पॉजिटिव वाइब है यार, शक्ल से अच्छा आदमी लगता है। गुड मैन। अच्छा आदमी हो तो भी क्या फायदा है तो कठपुतली ही। नहीं नहीं, अच्छा आदमी है, मैंने भी सुना है। अच्छा वो छोड़, जय हाथ दे, मिला तो सही चिपका डाला। जय का जो फॉर्मूला है ना कि थैंक यू के बदले तीन तीन लोगों की मदद करने वाला, वो मैंने चिपका दिया। वाह, आ जाओ खाना रेडी है। आ जाओ, चलो चलो खा लेते हैं। अरे बाबू, इनका लेटेस्ट सुना है? चुप। क्या हुआ? इन भाई साहब ने चुप अपनी आंखें डोनेट की हैं और जिस तरह से इनकी हरकतें हैं आजकल, लगता है जल्द ही किसी को अपनी रोशनी मिल जाएगी। ए चुप रहे बदतमीज, हद हो गई यार, तेरे मुंह में राख। देख जय बेटे, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। दुनिया में सारे लोग तेरी तरह नहीं होते और आज तो वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हर इंसान अपनी परेशानी और दौड़ भाग में लगा हुआ है। अरे मदद करने के लिए कहेंगे सब लोग, मगर करेगा कोई नहीं। और देख जे, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि अगर तेरी ये नेकी की सोच आगे नहीं बढ़ी बेटे, तो तू मायूस नहीं होना। नहीं होगा माँ, चिल ना यार। अरे क्या तुम लोगों का चिल विल यार, सच में बहुत ये थॉट इतना अच्छा और नोबल है कि मैं जरूर मदद करना चाहूंगा, लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई है और उसी चक्कर में मैं बहुत बिजी था, तो ना वक्त मिला ना मौका। पर जैसे ही थोड़ा वक्त या मौका मिल जाएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। नो प्रॉब्लम। आपने जो किया वो हम भूले नहीं, आपका थॉट भी हमें याद है, हम उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारी खुद की जिंदगी वीजा और पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर में अटक गई है। मेरा बेटा रॉनी और उसकी फैमिली कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, ना ही करना चाहता है, सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को छोकरी की टेंशन। मैंने दुनिया देखी, सीधा बोलता हूं, कोई प्यार से बोलेगा, कोई शराफत से बोलेगा, कोई बोलता है मुझे बहुत करने की इच्छा है कि मैं मदद करूं, उसको जाके पूछो तुमने कुछ किया क्या? हाँ, वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया, तुम लोग भ्रम में जी रहे हो, क्या कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। चलिए सर, दुनिया खराब है, चलिए किसी ने किसी की मदद नहीं की, आप ही शुरुआत कर दीजिए, शायद आपको खुशी मिले। बकवास। सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्षमा चाहता हूं। ये तेरा अरे यार चल चल, अपना भी पैक है यार, छोड़ ना यार। जय देख, कोई कोशिश करे ना करे, हम करेंगे ना कोशिश। हाँ साहब, भूख लग रही है साहब, कुछ दो ना साहब। बोलो ना तेरे को, चल जा यहाँ से, बोलो ना तेरे को, चल। ऐसा कोई बच्ची से बात करता है क्या? साहब भूख लग रही है साहब, साहब पैसे दो। तेरे को बोलो ना, जा यहाँ से। अरे जय,
जैप, अरे सुन तो सही, जैप, जैप। बेटा, सुमित, इसके तो खून बह रहा है यार। क्या कर दिया तूने भाई? What's your problem? जैप छोड़। Problem? सारे यहाँ पर हम तीन आदमी की मदद करने की बात कर रहे हैं। और तू? जैप छोड़। जैप, संभाल अपने आप को यार। Take it easy. अरे जा निकाल यार यहाँ से। Just chill. छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। निकल। क्या यार जय, कांच में हाथ मार दिया। दिखाई नहीं दिया, चढ़ा हुआ था। बच्चे को देखना यार। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, मामूली सी चोट, हरामजादगी की भी हद होती है। अरे बच्चे को क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन है आप? बाप हूँ उसका। बाप? कैसे बाप? ताश खेल रहा है, हट्टा कट्टा है साला। हाथ पांव सलामत है तुम्हारे और तुम बच्ची से भीख मंगवा रहे हो? कैसे बाप हो यार? जैब, जैब, जैब। I told you, relax ना। एक काम कीजिए, ये लगा देना। ख्याल रखो बेटा। Come on. साले साहब का मूड ऑफ क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, आज पंगा ले लिया रोड के ऊपर। किससे? जीजाजी छोड़िए ना, जय को आप जानते ही हो ना। क्या हुआ जय? डिस्टर्ब्ड हूं और क्या? चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, एक के बाद एक। एक लड़की जिसकी मैंने ऐवी मदद कर दी, वो मेरे सामने जम करके सुसाइड कमिट करती है। एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। कितना मैं इस रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करता हूं, ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। तुमने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद की। ये आउट ऑफ द वे ही तुम्हारा वे है, क्योंकि तुम बने ही ऐसे हो और तुम्हारी यही बात तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम मिलिट्री छोड़कर गैराज में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने हो, तुम बदलाव लाओगे, मुझे यकीन है। कब और कैसे, बस ये देखना है। हमें भी तुम पर पूरा यकीन है जय। बुराई एक जहर की तरह होती है जो बहुत जल्दी फैल जाती है, और अच्छाई दवा की तरह जो वक्त लेती है लेकिन असर जरूर करती है। Cheers. क्या बे मोटे, आजकल स्कूल क्यों नहीं आता बे? यार स्कूल दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ यार। ये ले मेरी साइकिल ले, इससे तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अच्छे नो बहाना। यार थैंक यू यार। ये थैंक यू मत बोल, जब भी मौका मिले ना तो कोई भी तीन लोगों की मदद करना और उनसे कहना कि आगे तीन लोगों की मदद करे, समझा? क्या अंकल? ए चल। कहाँ हो डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाओ मॉम, क्या जगह है, आई लव दिस प्लेस, है ना? ओह दिस वाज मेरा आईडिया। ओह मामू, आई लव यू। अरे लव यू, तमीज है क्या खा के तुमने इसको पैदा किया। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। मामू चलो ना यार, मामू मामू प्लीज यार, मामू क्या स्लो चल रहा है, मामू फास्ट चलो ना, मामू चलो ना। वो अपना मेन हीरो है ना, अपनी फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है, फटाफट आ जाओ भाई, आज ही उसका गेम बजा डालते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मामू, मामू उसे थिएटर से आपको पिंक कलर बहुत पसंद आया। पिंक? डडंग 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 डडंग। ये क्या गाना है? मॉम पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। अबे साले छोटे छोटे क्या? हाँ छोटे 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 मूंगफली, छोटे मूंगफली, देखो दिखा तो मूंगफली। माय नेम इज पिंकी, पिंकी की जवानी। कबीर चलो, ट्यूशन का टाइम हो गया, आ जा, तुझे छोड़ता हूँ। और मम्मी की वॉक का भी टाइम हो गया, लेके जाऊंगा। बाय पिंकी, बाय।
आई मीन रिंकी। बाय रिंकी। अब से डरना पिंकी। कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है सब लोग, बाहर। ए, चल। ये गलती मत करना। अपने भाई को फोन करके। जय, अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने भाई? अकेला है वो। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाले पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे। कोशिश करता हूं भाई। हाँ।
घर जाओ। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ बनते रहोगे। मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ तो तू है वो, छोड़ इसको। सर इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक इसे। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस।
चल, निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रोंग देते हो। शरीफ आदमी को बुजदिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो। चीज फाड़ देगा। जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर चुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही भैया ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूं। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था, और पापा के कहने पे मैंने इसका ये हल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गीता को फोन देना। दीदी घर पर नहीं है, मुझसे बात करो। कर रहा हूँ। अच्छा, इतने दिन से मिले क्यों नहीं? कब मिल रहे हो? सुमित कब आ रहा है? आधे घंटे में। ओके। आधे आधे घंटे में कंट्री क्लब पे मिलते हैं। क्या तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? बम्पर पे कौन सा कलर मारूं? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, डन। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर दीदी। ये गांडी पसार केम कर छे? मारो ब्लैक ड्रेस धोबी पासे। थैंक यू। आपने बोला था ना ब्लैक पेन के आने के लिए। कैसी है? थोड़ा सा लूज नहीं? Really? लेकिन ब्लैक तो आपको पसंद है ना? आप खुश हुए ना? आपको इतना कंफर्टेबल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे आपकी खुशी के लिए तो ब्लैक पहनूंगी, ब्लैक पीऊंगी, ब्लैक कॉफी। कभी पिंक कभी ब्लैक, क्या चक्कर क्या है? मेरे मामू को फंसाना चाहती है तू? मामू ही आपको फंसा लेगी।
सा छोटे चूहे। मामू मामू ये मोरनी नहीं है, चोनी है, चोनी। ये मेरे कपड़े। अच्छा ये तेरे कपड़े? हाँ। No wonder आप इतनी कंफर्टेबल लग रही हो इन कपड़ों में। मामू अगर आप नहीं होते ना तो मैं अभी अपने कपड़े उतरवा लेता। पर छोड़ो मैं आप लोग की सेटिंग खराब नहीं करना चाहता। अच्छा? ओ मामू मामू देखो मेरी टी शर्ट चेंज कर दी मामू। अरे ऊपर ऊपर से चीज सैंडविच खा रही है मोटी। देखो तो मैं बाद में नहीं खाता। रुक। Come on, madam. Please look back to the pavilion. ये ब्लैक कपड़े आपके हैं? नहीं। ये ब्लैक कॉफी आपको बेहद पसंद है? Yep, disgusting. फिर ये सब किस लिए? Only for you. Only for me. अरे तू कैसी फोटो दिखाता है पंडित? अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी लड़कियों से शादी करनी होती तो मेरे लड़के की अब तक 10-10 शादियां हो गई होती। ओहो माँ जी जय का थोड़ा सा ट्यूजडे भारी है। मतलब मंगल भारी है, इसलिए शादी थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं तो 10 साल में 10 दिन में शादी करवा दूंगा। नानी आपको बेवकूफ बना रहा है। की तो शादी हुई नहीं, मामू की क्या शादी करवाएगा? क्या पंडित, तूने तो मुझे कहा था कि तेरी शादी हो गई है, हा? और तेरे 2 बच्चे हैं? नहीं नहीं बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हो सकता है मेरे ही हो। नहीं नहीं मेरे ही हैं। अरे यार, और बीवी तेरी? बीवी है लेकिन उससे छोटा सा तलाक हो गया है। छोटा सा? मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी गलती से हुआ। एक दिन क्या हुआ माँ जी, मैं टाइम से पहले अपने घर पे पहुँच गया। मैंने जाके बेल बजाई, अंदर जाके देखा मेरी बीवी बेचारी अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। हा? मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो ये बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है रे बच्चे। बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लग नहीं है, मुझे लग नहीं है। ढोंगी देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। एक सेकंड रुको नानी। ए, क्या कर रहे तू? ये लो इससे मारो इसको। ओए बच्चे के राक्षस है तू। हैं क्या नानी, अब ये पंडित वंडित के चक्कर में पड़ते हो? मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या कहा है वो, कैसी है? वो एक्चुअली हमारी अरे नानी ये तो हुई है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया चले जी। तेरी माँ इसको जानती? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलोन पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की अपने जाए के लिए। मुझे नहीं चाहिए। मिलो ना नानी, अपनी बहू से मिलो ना। नहीं नहीं नानी मिलो ना, मिलो ना। मत तो तुम मिलो ना, तू बहुत शैतान निकल रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ नहीं। तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी अगर हाँ तो इससे दूर रहे। इनसे पूछो और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ तो मेरा ही पाव कटेगा ना, इससे कह दो ये तो समझदार है ना, है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए सारा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो इसकी तो सुनता भी है वो। क्या ये सच में बहुत गलत? क्यों रे, ये सब तेरी हरकत है ना, चल तुझे दिखाती हूँ। डॉक्टर, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और किडनी भी डैमेज हुई है। ओह माय गॉड, हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं मां। तो फिर क्या गीता ने?
एक्सक्यूज मी। तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना? हम सब साथ रहेंगे अब प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? जी यहाँ आओ। आ जाओ। उस दिन के लिए बेटे मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नानी माफी वाफी मत मांगो, इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी झूठ बोल रही है, चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर तो लॉ समझता था, लेकिन आज से वाकई आप मेरी मदर लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है? वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो कौन बोल रहे? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे टक्कर मारी गई है। समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है, माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय, चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। प्लीज मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहां बात को खत्म करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा आगे आओ और थोड़ा आगे। बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है,
तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया, कुर्सी भी बच गई बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तो जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। येलो बबल, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं और आज को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मतलब? मतलब क्या बोलूं साहब आपको, कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं, किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्या बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरे बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अब अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो छोड़ो सब। नहीं नहीं बोल, कितने पैसे चाहिए? बहुत 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 ज्यादा, 20,000 है। 20? हाँ। एक मिनट, मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है, 60,000 रुपए का। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास? ये ले रख। और तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको।
ये मेरे पास रहना। वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू मत बोल। अब तो ये मौका मिले ना तो तू तीन लोगों की मदद कर, और उन तीन लोगों को बोल ये और तीन लोगों की मदद करे, दुनिया बदल जाएगी। चलता चलता। इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। यह गलत है सिंह साहब। चुप! अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अग्निहोत्री के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक? तमीना बैंकॉक जाएगा? हेलो छोटी चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं सगाई। माँ ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। हा? क्या बोला? सगाई तेरे अंकल की? हो तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो वेरी बैड। फोन रख। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। It's okay. रबीर? बदमाश ही तरह। हेलो? चीटर, फ्रॉड, सालो गांडो। शर्म ना दिया होती तने? तू बोरे त्याज, मैं अब भी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ, डांडिया रमन जाए। माँ। अरे, अरे रिंकी। मैडम छुट्टे रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, तीन लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे तीन की मदद करें। आनी जाते हैं ढोकला मारूं, देखती हूँ कैसे होती है सगाई। घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहा है बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हूज मड़ेली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला वैसे नहीं हूँ। मजाक छके छोटे चूहे, कया जन्म नो बदलो ले रहे हो छे? दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था। सब सबके सब मिली भगत है, और तुम गांडो थे गयो छे के? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है? नहीं नहीं गांडो, GANDO। नहीं 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 नहीं, गुजराती में गांडो का मतलब पागल। तो फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 थी गई। <गए। laughs>
बिचारी। ए पिंकी। टेरिबल। चलो। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पिंक पैंथर। कबीर। कबीर। क्या हुआ? कुछ लोग कबीर को उठा के लेके गए। क्या? कौन है? जय का है। जय कहाँ है? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। मुख्यमंत्री साहब बात करना चाहते हैं। जी। हेलो। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मामला क्या है? सर, जनशक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय अग्निहोत्री के भांजे को किडनैप करने की कोशिश की सर। सर, उसी हादसे में आपकी पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं सर। ठीक है, तो इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने से आप ही की पार्टी को दिक्कत होगी सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दाखिल हैं, इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज है सर। और सर, जय अग्निहोत्री इज अ हाईली डेकोरेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर सर। और सर, एक बुरी खबर भी है सर। क्या? सर, होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जय अग्निहोत्री से करवा दीजिए। जी सर।
और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो आप पहले मुझे दिखाइए। तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। नाउ आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कम एंड एड्रेस द चिल्ड्रन। सर, थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल सर। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जुड़ने की, और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? बाइक से शॉक। बच्चे को देखो, ठीक तो? बेटी आप ठीक हो ना? जी। बेटा तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शॉक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए, और उन 3 से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। अच्छी बात, आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना। ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगाइए उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर, जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूं? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर,
एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं बस, और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। सर जय, जय मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। हेलो दरवाजा, मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक एक को मार रहा था वो, ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें क्या है? मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है, उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह तीन की मदद करें और उनको बोलो कि वो आगे तीन की मदद करें। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? सर,
हेलो बेटे, मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल सर। लेकिन डॉक्टर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं, मानसिक संतुलन तो दशरथ सिंह का खराब हो चुका है। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। Get back!
बेटा। थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू की बजाय तीन जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और तीन जन की मदद करना। तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे?